95% लोग इस धरती पर अभावों से गुजर रहे हैं। 5% लोगों के पास हर सुख सुविधा है। मैं ये नहीं कहता कि 95% लोग सचमुच अभावों में हैं। अगर मैं बात करूं तो 60-70% लोग तो बहुत ज़्यादा गरीबी और अभाव में जीवन गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ विकसित देशों की बात छोड़ दूँ जैसे अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान और भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा परसेंटेज में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास सारे सुख सुविधा हैं। लेकिन हिंदुस्तान और भी दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ पर 90-95% लोग बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। 70% तक तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन 70-95% के लोग थोड़े बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ कुछ अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक जी रहे हैं। लेकिन ऊपर के जो 5% लोग हैं उनकी लाइफ सचमुच लग्जरियस लाइफ है और वो बहुत पैसा कमाते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? अच्छी ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि आपके पास पैसे के साथ साथ सुख हो, खुशी हो, शांति हो। सिर्फ पैसा हो जाने मात्र से आपके जीवन में सुख और शांति और खुशियाँ होंगी इसकी गारंटी नहीं है। सुख, शांति, खुशी, चैन, आराम, प्रेम, आनंद और वैभव जैसे कि अच्छी सोच, आध्यात्मिक सोच जिसमें दुख जैसी चीज़ नहीं हो। देखिए, एडजस्ट करने की बात अलग है, हर कोई एडजस्ट करता है और अपनी किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ देता है, ईश्वर के ऊपर बहुत चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसकी इंडिविजुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा कष्टकारी है वो व्यक्ति ही जानता है। अपने पड़ोसी या दूसरे घरों में धन संपदा बढ़ रही है, उसको देखकर ईर्ष्या होने का मतलब हो गया कि आप दुखी हैं और आप खुद वैसा ही और उतना धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसका दुख है। तो इसका मतलब ये है कि आप गरीब हैं या कम पैसे वाले हैं या कम कमा रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा कमाते, अमीर बन जाते और आपके पास भी बहुत ही धन संपदा होता। ये सोच, हमें इस सोच को समझना है कि अमीर होने का मतलब बहुत ढेर सारा धन होना ये ज़रूरी नहीं है, एक बात, लेकिन पैसा ज़्यादा होना ज़रूरी है जिससे कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान और खाने पीने की चीज़ें, छुट्टियां मनाना, घूमना, और आपके पास टाइम भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12 से 14 घंटे घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको धन कमाना है और उस टाइम में आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि घर जाने के बाद फैमिली के किसी भी मेम्बर को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, आप जाके बिल्कुल फैल जाते हैं और थकान है या तनाव है या कोई चिंता है या ऑफिस या बिजनेस में कुछ भी ऐसा अनबन हुआ है, घाटा हुआ है, उस चीज़ को लेकर घर में आप शेयर कर रहे हैं। घर में वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता या दूसरे मेंबर्स हैं, उन सबको आप अपने तनाव शेयर कर रहे हैं। इससे आपके साथ साथ घर के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, उनकी ढेर सारी इच्छाएं, उनकी ढेर सारी भावनाएं, बातें जो आपसे शेयर करना चाहते थे और आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप घर में जाएंगे तो उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन आप अपनी ही बात उन्हें सुनाने में लगे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। और घर के लोग जो अपनी बातें हैं आप तक नहीं पहुँचा पाते, उनके अंदर ही रह जाती। कहीं उन्हें घूमना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है, कहीं पार्क में जाना है, कहीं बैठकर थोड़ी देर बात करनी है फ्री होकर, लेकिन आप फ्री नहीं हैं मेंटली। फिजिकली तो 12 से 14 घंटे आप बिजी हैं अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में,
लेकिन घर में जाने के बाद फिजिकली फ्री होने के बावजूद भी मेंटली फ्री नहीं हो पा रहे हैं। यही है गरीबी का कारण, आपके अभावों का कारण। 95% लोग इन्हीं सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। जब आपके पास अपने लिए ही समय नहीं है तो आप अपने फैमिली के मेंबर्स को कैसे समय देने वाले हैं? नहीं दे पाएंगे। और आप कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को सही सजेशन दे पाएंगे? सही सिचुएशन में आप एक सिचुएशन नहीं दे पाएंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, टाइम नहीं दे पाएंगे, वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे। इन बातों का भरपूर मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में। मैं अपनी बात करूं, एक वक्त था जब मैं खुद ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा था। सचमुच में मैं खुद को ही टाइम नहीं दे पाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे खुद भी अपने लिए टाइम देना चाहिए या अपने लिए सोचना चाहिए, खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए। मुझे पता नहीं चलता था वो समय कहाँ गया, वो समय कब गुजर गया, और सुबह से लेकर रात तक तनावों के दौर से गुजरता था और उसमें स्ट्रगल करता था, बहुत चीज़ें करने के लिए कोशिश करता था, बट किसी भी चीज़ में मुझे सफलता नहीं मिलती थी। और जब बात आती है फैमिली की, परिवार के साथ समय बिताने की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि तनाव में शेयर करता था। मैंने अपनी लाइफ में फाइनली इन सारी चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस किया है और इन सारी चीज़ों से मैं कैसे बच गया और कैसे ऊपर उठ गया, उसका एक ही रहस्य है और एक ही उपाय है कि मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को समय देना शुरू किया और खुद के विचारों को चेंज करना शुरू कर दिया। और जब मैंने खुद के विचारों को चेंज करना शुरू किया, इसका मतलब क्या है कि मैं जब ये सोचने लगा कि मुझे हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और सकारात्मक एक्टिविटी करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए और कॉमेडी करनी चाहिए आपस में, परिवार के अंदर, अपने आप से, और अपने आप को खुश रखना है सबसे पहले, तब मैं अपने फैमिली के मेंबर्स को खुश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता था और उनको खुश करने के लिए तरह तरह की बातें करता था, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता था क्योंकि मैं खुद दुखी रहता था, तनाव में रहता था, परेशान रहता था, उलझा रहता था। जब मैं खुद को खुश करने लग गया तो वो खुशी की एनर्जी और वाइब्रेशन और जो एक्टिविटी है, बिहेवियर है, वो हमारे फैमिली के मेंबर्स तक पहुंचने लगा। फैमिली के मेंबर्स ऑटोमेटिक खुश होने लगे और वो अपनी बात मुझ तक शेयर करने लग गए। फिर हमने एक सेशन चलाया आपस में, फैमिली मेंबर्स, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, एवरी डे हम इवनिंग में या डे में कभी भी बैठकर डिस्कस करते और एक दूसरे की क्वालिटी को शेयर करते और दिन भर में हमने जो अच्छा काम किया उसके बारे में शेयर करते। इस तरह से क्या हुआ कि ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई और एक दूसरे तक हम अपने विचारों को अच्छी तरह से पहुंचाने लग गए। बहुत ही अच्छा फील होने लगा, घर के सारे मेंबर्स बहुत खुश रहने लगे और हमारा कारोबार भी बढ़ने लग गया। तो हमने क्या किया, सेल्फ चेंज किया, और सेल्फ चेंज का मतलब हो गया अपने विचारों को बदलना। मेरे विचार हमेशा नेगेटिव और दुख वाले हुआ करते थे, चिंता वाले हुआ करते थे, उलझा हुआ, तनाव में परेशान हुआ करता था, लेकिन जब मैंने उन विचारों को रिमूव करके उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एक्टिविटी करने लग गया, रखने लग गया बार बार लगातार, तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने आप को हेल्दी एंड वेल्दी फील करने लग गया। और उसके बाद मैंने अपनी सारी अच्छी फीलिंग्स को डायरी में लिखना शुरू कर दिया, उससे भी चेंज होना लग गया। और मैं तो एक मोटिवेशनल राइटर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, माइंड ट्रेनर हूँ, माइंड प्रोग्रामर हूँ, और मैं अपने माइंड को इस तरह से यूज करने लग गया कि मेरी ज़िंदगी की हर वो नेगेटिविटी,
हमसे दूर हटने लग गई और हर नेगेटिव लोग जो मेरे ऑरा में मेरे साथ चिपके हुए थे दूर हटने लग गए, जो पॉजिटिव थे वो आने लग गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हुए तो मेरे साथ आ गए और नहीं हुए तो दूर हट गए, और जो बाद के पॉजिटिव लोग थे वो मेरे साथ आ गए और मेरे साथ इंट्रैक्शन में पॉजिटिविटी ही रही। और जैसे ही थोड़े बहुत नेगेटिव लोग हमारे सराउंडिंग में आते हैं मुझे पता चल जाता है और मैं उनसे अलग हो जाता हूँ। और मैं सबको यही सलाह देता हूँ, जब मैंने किताबें लिखना शुरू किए तो उन किताबों में इन सारी चीज़ों को लिखना शुरू किया कि कैसे हम अपनी लाइफ को बदल कर गरीबी से अमीरी में पहुँच सकते हैं, दुख से सुख में पहुँच सकते हैं, तनाव से फ्रीडम यानी कि रिलैक्सेशन में पहुँच सकते हैं, कैसे हम अच्छी फीलिंग में पहुँच सकते हैं, कैसे ज़्यादा धन कमा सकते हैं, कैसे कम इनकम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। सब कुछ माइंड के साथ में करना पड़ेगा। और 95% लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको हम बताते हैं कि आपको क्यों और कैसे पॉजिटिव होना चाहिए, सुन लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी मजबूरी है, मैं नहीं कहता कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग है माइंड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। उस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं उनको बोलता हूँ कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे करना है, अमीर कैसे बनना है, सुखी कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है, प्रेम से कैसे रहना है। उन सारी चीज़ों को वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो सारे नियम बताते हैं, हम बताते हैं हमारे चैनल पर आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो देखना शुरू करो। उस वीडियो को देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, अगर वक्त है तो वो कर नहीं पाते हैं और सुन भी लेते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। यही है उनके साथ प्रॉब्लम। जो लोग इन सारे नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, जैसे मैंने किया और मैं आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी। कोई इंसान ऐसी ज़िंदगी जीने की कल्पना करता है, कल्पना कर सकता है या सोचता रहता है या सोच सकता है, लेकिन वो जी नहीं सकता। मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। हर कोई ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है जैसे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे पास आज पूरा पर्याप्त ज़्यादा समय है, मेरे पास इनकम है, इनकम बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है, और मैं लोगों से दुआएं भी कमा रहा हूँ, आशीर्वाद कमा रहा हूँ, और हमारी किताबें लोगों के पास तक पहुँच गई हैं, पहुँच रही हैं, पढ़कर उनसे मुझे ब्लेसिंग मिलती है। मीन्स कि टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीज़ मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा है। तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरा कारोबार भी बहुत बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है, और मेरा परिवार भी बहुत सुखी है, परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, और एक गृहस्थ लाइफ भी जी रहा हूँ, सोशल लाइफ भी जी रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूँ, हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, मैरिज लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक पिता हूँ, पिता कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी मुझे अच्छी तरह से पता है, और अपने बच्चों के साथ मैं वैसा ही बिहेवियर रखता हूँ। एक पति हूँ, एक गार्जियन हूँ, सारे रोल एक इंसान को प्ले करना पड़ता है, लेकिन उसे हर रोल में माहिर बनना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा। यही है अमीरी, यही है सफलता, यही है अभावों से दूर रहना, यही है सुख, यही है शांति, यही है खुशी। वो इंसान सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो इंसान पिता के रूप में अपने पुत्र को, पुत्रियों को वो सारे सुख दे पाता है जो उन्हें चाहिए, धन, संपदा, ज्ञान, शांति, सिचुएशन, इन सारे और गाइडेंस, ये सारी चीज़ें अगर वो दे पाता है, टाइम दे पाता है, एनर्जी दे पाता है, तो उसकी ज़िंदगी अमीरी की ज़िंदगी है। पत्नी को वो प्यार दे पाता है, वो सम्मान दे पाता है, वही उसका सुख है, वही खुशी है, वही शांति है, वही अमीरी है। और मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसमें मैं ईश्वर की कृपा ज़रूर मानता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद इस चीज़ को करने के लिए तैयार होता था, हुआ हूँ, तभी ईश्वर ने मेरा साथ दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। हिम्मते मददा मददे खुदा, राइट, हिम्मते मर्दा मददे खुदा।
अगर आपने हिम्मत की और कदम बढ़ाया एक, तभी ईश्वर आपका साथ देगा। अगर आप आगे कदम नहीं बढ़ाते हो, ईश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। आप अपने किसी आसपास के जानने वाले किसी ऐसे संबंधी को पकड़िए और उसको हेल्प करना शुरू करिए कि तुम पैसे वाले बन जाओ, हम तुम्हें पैसे से हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें ज्ञान से हेल्प कर रहे हैं, तुम आगे बढ़ो। वो आगे खुद नहीं बढ़ना चाहता है, आप चाहे उसको कितना भी पैसा दे दोगे, वो आपका दिया हुआ पैसा बर्बाद कर देगा। उसी तरह से ईश्वर भी आपको तब तक मदद नहीं करता है, आपकी मदद नहीं करता है जब तक आप खुद मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं हो जाते और संघर्ष करना नहीं शुरू कर देते। तभी ईश्वर देखता है और कहता है कि इसकी मदद करना जरूरी है। 95% लोगों की कैटेगरी में आप आना चाहते हैं या 5% की कैटेगरी में आना चाहता है? जिस 5% की कैटेगरी में मैंने अपने आप को पहुंचा दिया है, क्या आप भी उसी कैटेगरी में अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं? अगर हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जाइए और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए और हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, तभी आप 5% यानी अमीरों की कैटेगरी में पहुंच पाएंगे। थैंक यू।